सबके जैसा देख रहे हैं कि पेपर का जो है यहाँ पर कंटेंट है काफी, जो पेपर मिल टाइप का है और काफी पेपर जमा किया हुआ था। पेपर का प्रसार 20 होता है और आगे का भी वास्तविक कारण अब हम लोग जायजा लेंगे, चूंकि अभी ऑपरेशन चल रहा है। वो एक बैग आके हल्ला किन की आग लगा हुआ है गोदाम में, तो हम लोग देखे की आग लगा हुआ है, धुआं पूरा दे रहा है। बाल्टी से हम लोग कोशिश किए बुताने के लिए, लेकिन बुत नहीं पाया, मैंने लफार मारने लगा वो अंदर तक। फिर तो फिर ओकर बाद पानी वाला को फोन किया कि अभी गाड़ियाँ आई हैं, अभी 6 गाड़ी अभी काम कर रही है और लगातार हम लोग गाड़ी मंगा रहे हैं, और जब तक पूर्ण रूप से आग को बुझा नहीं लगे तब तक इस स्थान को हमारे कर्मी नहीं छोड़ेंगे। बगल में बिल्डिंग हो रहा था, बिल्डिंग के चिंगारी से आग लग गई। विजय नगर 90 फीट गौतम स्टील के बगल में आग लगा था। ये पेपर मिले सर? नहीं, वो तो सामने गुमटी वाला बताया कि आग लग गया है, बस यही जानकारी है। तो हम लोग तो आए तो अभी बिजली डिपार्टमेंट से लाइन कटवाए, अपना लाइन उन सब कटवा दिए, टेमकल वाले को फोन किया, वो लोग आ करके अपना सर्विस को बेचारे वेस्ट कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24, मैं हूँ अजय शर्मा। आपको बता दें गर्मी के दिनों में अमूमन आग की घटनाएं घटती रहती हैं। आपको ताजा मामला बताते हैं, अगम कुआ थाना क्षेत्र के विजय नगर का है, जहां पर एक पेपर मिल में भीषण आग लगी। आप तस्वीरों के माध्यम से साफ तरीके से देख सकते हैं, दमकल की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद है और आग बुझाने के लिए तत्पर है। सर, कैसे आग लगी थी? आज सबके जैसा देख रहे हैं कि पेपर का जो है यहाँ पर कंटेंट है काफी, जो पेपर मिल टाइप का है और काफी पेपर जमा किया हुआ था। पेपर का प्रसार 20 होता है और आगे का भी वास्तविक कारण अब हम लोग जायजा लेंगे, चूंकि अभी ऑपरेशन चल रहा है, तो ऑपरेशन के बाद ही हम लोग बता पाएंगे कि वास्तविक कारण क्या रहा है आग लगने का। बिल्डिंग की लाइन काट दी गई सर? अब बिल्डिंग की लाइन जैसा देख रहे हैं कि अभी जो है लगे हुए हैं काटने के लिए। कितनी गाड़ियां आई हैं मौके पर? अभी 6 गाड़ी अभी काम कर रही है और लगातार हम लोग गाड़ी मंगा रहे हैं, और जब तक पूर्ण रूप से आग को बुझा नहीं लगे तब तक इस स्थान को हमारे कर्मी नहीं छोड़ेंगे। वो एक बैग आके हल्ला किन की आग लगा हुआ है गोदाम में, तो हम लोग देखे की आग लगा हुआ है, धुआं पूरा दे रहा है। बाल्टी से हम लोग कोशिश किए बुताने के लिए, लेकिन बुत नहीं पाया, मैंने लफार मारने लगा वो अंदर तक। फिर तो फिर ओकर बाद पानी वाला को फोन किया गया, तो वो लोग आए, पहले आया छोटा गाड़ी, उसके बाद बड़का गाड़ी आया। विजय नगर 90 फीट। हम कारीगर हैं, कॉपी बनाते हैं। रंजीत सिंह, बगल में बिल्डिंग हो रहा था, बिल्डिंग के चिंगारी से आग लग गई। कहाँ पे लगा है आग? ये विजय नगर 90 फीट गौतम स्टील के बगल में सीट में आग लगा था। ये पेपर मिले सर? हाँ, तो आप क्या देखते थे? हम सामने, हम दुकान के हुए हैं, पान का गुमटी में रहा है। देखे कि आग लगा होता, पूरा गुदाल किए, मोटर से ला के पानी फेंकना शुरू किए, पानी से काबू नहीं पाया था, टंकल वाला के फोन किया गया। बहुत लेट आया, कितने 5 लाख से ऊपर का क्षति हुआ है सर। अंदर 50 से 60 आदमी काम कर रहा था अंदर। धुआं से खुलाया था, लोग गुदाल करते करते सब निकला है सर। मेरा नाम हुआ शुभ राम परमेश प्रसाद। ये विजय नगर 90 फीट कॉपी का गोदाम है, गुप्ता पेपर प्रोडक्ट। उसमें कैसे लगी, कुछ जानकारी? नहीं, वो तो सामने गुमटी वाला बताया कि आग लग गया है, बस यही जानकारी है। तो हम लोग तो आए तो अभी बिजली डिपार्टमेंट से लाइन कटवाए, अपना लाइन उन सब कटवा दिए, टेमकल वाले को फोन किया, वो लोग आ करके अपना सर्विस को बेचारे वेस्ट कर रहे हैं। देखिए, अब तो पेपर का है, कॉपी बनता है। किस नाम से? गुप्ता पेपर प्रोडक्ट। आपका क्या नाम? मेरा नाम शिव कुमार गुप्ता हुआ। जय कुमार गुप्ता, वो मालिक इनका, ये इसका हुआ। हम गुप्ता इंटरप्राइज मेरा है, उधर मेरा हुआ। आप देख रहे हैं कि हमारे साथ अधिकारी मनोज नट मौजूद थे और पूरी तरीके से दमकल की तकरीबन 6 गाड़ियां मौजूद है मौके पर, आग पर काबू पाने के लिए पूरी जद्दोजहद जारी है। तमाम ऐसे ही छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहे NBC 24।